हमारा प्रयास है कि 18 को जब मैं आऊं तो ये जो 4 लेन हाईवे की आप बात कर रहे थे, हमने नितिन गडकरी जी से निवेदन किया है कि औपचारिक उद्घाटन इसका होना है तो लेट भी हो जाए, चाहे 1 महीने बाद हो जाए, जो छोटे छोटे काम बचे हैं उनको पूरा कर लिया जाए। औपचारिक उद्घाटन का इंतज़ार किए बिना टूरिस्ट सीजन में अगर कीरतपुर, बिलासपुर, सुंदरनगर, नेहरचौक नेशनल हाईवे को 4 लेन हाईवे को खोल दिया जाए तो लोगों को आवाजाही में बहुत लाभ मिलेगा। और हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को उसको जनता के लिए उस तरफ से ट्रैफिक खोल दिया जाए ताकि लोगों को उसकी राहत मिल सके। 24 घंटे और हैं, इंतज़ार करिए चुनाव का, इंतज़ार रहेगा सबको ही नतीजों का। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर शानदार अपनी ओर से कैंपेन किया है, लोगों का उत्साह देखने को मिला है, मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर कर्नाटक में बनेगी और वहाँ के राज्य का विकास करेगी। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कर्नाटक में देश के सबसे ज़्यादा FDI आने का काम हुआ है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगने का काम हुआ, रोजगार उत्पन्न का काम हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि संभावनाएं कर्नाटक में बहुत खड़ी हुई, विकास भी हुआ और चुनाव के नतीजों के बाद भी जब एक बार फिर मौका मिलेगा तो इस राज्य को और आगे ले जाने का काम करेंगे। 16 को शिमला में जो रोजगार मेला है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, उसमें शिमला में भी उस दिन रोजगार देने का काम होगा। तो 17 तारीख को मैं एक दिन के लिए दिल्ली जाऊंगा और 18 तारीख को वापस फिर शिमला में कार्यक्रम है। 19 तारीख को बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।